तो इसके लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस पोजिशन। दोनों पैर सामने, कमर सीधी और श्वासें सामान्य रहेंगी। तो पहले हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो हाथों को कंधों के समानांतर पैरेलल लेके आएंगे सामने, और फिर हल्का हल्का उंगलियों को का मूवमेंट कराएंगे इस तरीके से। तो ये इसको हम कम से कम 25 बार ऐसे कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर में हम जैसे किसी को बुला रहे हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं नमन। एक तरीके से इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं हठ योग में अंगुली नमन। तो ये अंगुली नमन हम करेंगे। फिर जैसे हम किसी को सामने से हटने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से मूवमेंट कराएंगे और श्वासें सामान्य रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, और जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार ये मूवमेंट चलते रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ अभ्यास में हम दोनों हाथों में मुट्ठियां बना करके इसको गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 20 से 25 बार, शुरू हम 10 बार से भी कर सकते हैं, इस आराम आराम से इस मूवमेंट को करेंगे। इससे हमारी जो जितनी भी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई की वेसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का यदि कोई क्लॉट है, कोई ब्लॉकेज है, तो वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट अभ्यास में लंबी गहरी श्वास लेंगे, और श्वास के साथ में, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि आयुर्वेद के अनुसार जो पक्षाघात है, जो पैरालिसिस है, ये वातजन्य व्याधि है, तो प्राणायाम का अभ्यास इसके लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि प्राणायाम से ही हम वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम साइड में इस तरीके से करेंगे। जितना हो सकता है, जब यदि आपको डाइप्लेजिया हो या हेमिप्लेजिया हो, तो आपका एक साइड का बॉडी काम नहीं करेगा, तो आपको फिर भी प्रयास करना है धीरे धीरे जितना हो सकता है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना है कि अभी हमारा हाथ उठ ही नहीं रहा है तो हम कैसे करें। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक विल पावर नहीं होगी तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। इसके बाद थोड़ा शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर पर रख करके इसको रोटेट कराएंगे जितना हो सकता है। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लॉक करके। रिलैक्स। तो ये कुछ, इसके अलावा हम इसके गर्दन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ये भी आता है। तो इसको नेक के अलग अलग मोमेंट्स हैं, जैसे अप डाउन कर लिया, फिर लेफ्ट साइड बैंड, राइट साइड बैंड, ट्विस्टिंग करेंगे और रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके पश्चात ये हमने हाथों का अभी सूक्ष्म व्यायाम किया, अब हम पैरों का करेंगे। तो पैरों के लिए हम पहले अभ्यास करेंगे पाद अंगुली नमन, इसको हम कहते हैं टो बैंडिंग। जो हमारे पैर की अंगुलियां हैं इसको हम सामने की ओर झुकाएंगे, बैंड करेंगे। उसके बाद में एंकल क्रैंक, एंकल बैंडिंग, फिर पैरों को पूरा रोटेट कराएंगे। ये छोटे छोटे जो अभ्यास हैं, यदि हम इसको रेगुलर लाइफ में अपनाते रहें तो हमें कभी पैरालिसिस की समस्या ही नहीं होगी। इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन और जो भी एक्स्ट्रा फैट यदि जमा हो रहा है वो सारी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। दोनों दिशाओं में इसको हम रोटेट कर लेंगे। इसके बाद हम पैरों को उठा करके ऐसा लेकर आएंगे और यहाँ पर हम पैरों को थोड़ा रोटेट करेंगे, क्रैंक। दोनों दिशाओं में इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं और घुटने को ऐसे पकड़ करके श्वास लेते हुए हम इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। तो अगले अभ्यास में हम पुनः इस पैर को उठा करके, जैसे कोई बेबी को हम होल्ड करते हैं गोदी में और उसको झुलाते हैं, इस तरह से हम पैरों का मूवमेंट कराएंगे। ऐसे दूसरे पैर से भी जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार करके इसको वापस
दोनों पैरों से। इसके बाद अगला अभ्यास हम करते हैं पैरों के अभ्यास में। तो इसमें हम पैरों को उठाएंगे, पैर को उठा करके इसको होल्ड करेंगे और इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। एक यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों पैरों से। और श्वासों की गति सामान्य रहेगी।